हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है फील्ड टेस्टिंग ऑफ बिल्डिंग लाइम्स, यानी कि चूने की फील्ड टेस्टिंग कैसे करते हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने जाना था चूने का स्ट्रेंथ टेस्ट कैसे करते हैं एंड चूने का साउंडनेस टेस्ट कैसे करते हैं। उन दोनों टेस्टों के लिए हमको लैब की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप वहां पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि फील्ड टेस्टिंग में ऐसे कौन कौन से टेस्ट हैं जो कि चूने पर करे जाते हैं। तो फील्ड टेस्टिंग में चूने पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेस्ट, बॉल टेस्ट, इम्प्योरिटी टेस्ट, प्लास्टिसिटी टेस्ट, विजुअल एग्जामिनेशन एंड वर्केबिलिटी टेस्ट करा जाता है। आगे हम जानेंगे कि ये टेस्ट किस तरीके से चूने पर करे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विजुअल एग्जामिनेशन के द्वारा चूने की क्वालिटी का या चूने की कैटेगरी का हम कैसे पता लगाते हैं। तो चूने का कलर और चूने का पाउडर, चूने की हार्डनेस, चूने की सॉफ्टनेस या चूने का लंपीनेस देखकर हम पता कर सकते हैं कि चूना किस क्लास का है। जैसे कि हमारा जो क्लास सी एंड डी टाइप का चूना होता है वो ज़्यादातर वाइट वॉश के काम होता है और ये वाइट कलर का होता है। अगर आपका चूना लंपी फॉर्म का है, यानी कि उसमें लंप्स बने हुए हैं, तो ऐसा चूना क्विक लाइम टाइप का होता है। अगर आपका चूना हाइड्रेटेड लाइम है तो ऐसे चूने के अंदर ग्रिट यानी कि पत्थर की तरह रोड़े नहीं होने चाहिए और वो कोर्स नहीं होना चाहिए। हाइड्रेटेड लाइम के जो पार्टिकल का साइज़ है वो 2.5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम हाइड्रेटेड लाइम को अंगूठे और अपनी उंगली के बीच रब करें तो हमको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि वो ज़्यादा मोटा है या उसके अंदर कुछ रोड़ा या 2.5 mm से ज़्यादा पार्टिकल हैं। तो इस तरीके से हम विजुअल एग्जामिनेशन के थ्रू पता कर सकते हैं कि चूना किस क्लास का है। इसके बाद आता है हमारा बॉल टेस्ट। तो बॉल टेस्ट कैसे करते हैं? तो बॉल टेस्ट करने के लिए हम 50 mm डायमीटर की क्विक लाइम की एक बॉल बनाते हैं और इस बॉल को हम इस तरीके से बनाते हैं कि एक स्टिफ पेस्ट बन जाए और इसको 6 घंटे के लिए पानी में डुबोकर छोड़ देते हैं। 6 घंटे के बाद हम इस बॉल को ऑब्जर्व करेंगे तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन निकल कर आएगा उसके आधार पर ही हम ये डिसाइड करेंगे कि ये जो चूना है किस क्लास का है। अगर हमारी बॉल कुछ समय के बाद पानी के अंदर घुल जाती है तो इसका मतलब यह है कि ये जो चूना है वो क्लास सी और डी का है। अगर हमारी बॉल के ऊपर बहुत ही कम क्रैक्स आती हैं और उसका जो एक्सपेंशन है वह बहुत ही कम होता है तो इसका मतलब है कि वो चूना क्लास बी या क्लास ई का है। अगर हमारी बॉल पानी के अंदर जाकर नहीं घुलती है तो इसका मतलब यह है कि ये जो चूना है वो हमारा क्लास ए कैटेगरी का है। इसके बाद हम जानेंगे कि इम्प्योरिटी टेस्ट कैसे करते हैं। इम्प्योरिटी टेस्ट क्यों करते हैं? इम्प्योरिटी टेस्ट हम इसलिए करते हैं ताकि हमको ये पता चल जाए कि जो हमारा चूना है उसके अंदर इनएक्टिव मटेरियल कितने हैं। तो ये टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक क्विक लाइम का सैंपल लेंगे और उसको हम एक ऐसे वेजल या कंटेनर में डालेंगे जिसके अंदर बहुत सारा पानी होगा। उसके बाद हम उस पानी को अच्छे से हिलाएंगे 2 घंटे तक। 2 घंटे तक हम उस पानी को हिलाएंगे और उसको हम सेटल होने देंगे। जब हम चूना डालकर उस पानी को हिलाएंगे तो क्या होगा, वो जो पानी है वो वाइट हो जाएगा मिल्की की तरीके से, क्योंकि जो चूना है वो क्या हो जाएगा, पानी में घुल जाएगा। उसके बाद हम उस पानी को जो कि मिल्क ऑफ लाइम है
उसको 850 माइक्रोन की जो छन्नी है उससे छान लेंगे, ताकि जो चूने के अंदर हमारी इम्प्योरिटी हैं वो पानी के साथ बह ना जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारा मटेरियल बचा है रेजिड्यू, रेजिड्यू का मतलब है इम्प्योरिटी, जिसके अंदर अनबर्न्ड और ओवरबर्न्ड स्टोन हो सकते हैं, साइंडर हो सकता है, सैंड हो सकता है और अन्य तरीके की इम्प्योरिटी हो सकती है, तो जो बाकी बची हुई हमारी रेजिड्यू या इम्प्योरिटी है उसको हम तब तक पानी से साफ करेंगे जब तक उसमें चिपका हुआ थोड़ा बहुत जो भी चूना है वो भी ना निकल जाए। जब पूरी तरीके से चूना इन इम्प्योरिटी से बाहर निकल जाता है तो इन रेजिड्यू को हम क्या करेंगे, एक मेटल ट्रे में इकट्ठा कर लेंगे विद हेल्प ऑफ जेट ऑफ वाटर। इसके बाद हम ट्रे को कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे ताकि उसके अंदर का जो पानी है वो निकल जाए। उसके बाद जो हमारा रेजिड्यू है उसको सुखाएंगे 8 घंटे के लिए सूरज की गर्मी में और उसका हम वजन कर लेंगे। इसके बाद हम अपना ऑब्जर्वेशन लिखेंगे या ऑब्जर्व करेंगे कि आखिर जो हमारा पहला चूना था उसका कितना मास था या उसका कितना वजन था, और चूना निकालने के बाद जो हमारा रेजिड्यू बचा है उसका कितना मास है, और इन दोनों के बीच का जो है हम डिफरेंस निकालेंगे वो भी परसेंटेज में। तो जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो क्या कहता है कि अगर जो हमारा रेजिड्यू है टोटल मास का 10% से ज़्यादा नहीं है तो वो हमारा क्लास बी एंड क्लास एफ का लाइम होगा, और अगर हमारा रेजिड्यू 5% से ज़्यादा नहीं है तो जो हमारा चूना है वो क्लास सी एंड क्लास डी कैटेगरी का होगा। लेकिन रेयर केस में क्लास बी कैटेगरी के चूने में जो रेजिड्यू है वो 10% से भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये केवल रेयर केस में होता है। इसके बाद हम जानेंगे कि प्लास्टिसिटी टेस्ट कैसे करते हैं। तो प्लास्टिसिटी टेस्ट करने के लिए हम चूना लेंगे, उसको पानी के अंदर मिक्स करेंगे और एक क्रीम की तरीके से पेस्ट बनाएंगे, और ये पेस्ट ऐसा होना चाहिए जिसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल यूनिफॉर्म हो, जैसे कि हमारी कोई क्रीम होती है, और इसको एक रात के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद इस क्रीम को एक ब्लोटिंग पेपर पर चाकू की मदद से ऐसे फैलाएंगे जैसे कि चाकू की मदद से हम मक्खन को फैलाते हैं। इसके बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, अब हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारा चूना है अगर वो आसानी से बिना किसी ग्रिटी मटेरियल के, ग्रिटी मतलब वही यानी कि कोई रोड़ा पत्थर ना हो, बिना किसी ग्रिटी मटेरियल के बहुत ही सॉफ्ट तरीके से फैल जाता है, इसका मतलब ये होता है कि उस चूने के अंदर अच्छी प्लास्टिसिटी है। इस चीज़ को जज करने के लिए क्या होता है कि हम पहले से ही एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का जो चूना है उसको अपने पास रखते हैं। तो पहले जो हमारा स्टैंडर्ड सैंपल है चूने का उसको ब्लोटिंग पेपर पर फैलाएंगे, और जिसका हमको टेस्ट करना है उसको फैलाएंगे, और दोनों का कंपैरिजन करेंगे। अगर दोनों का बिहेवियर लगभग सेम है तो जो हमारा चूना है वो अच्छी प्लास्टिसिटी का माना जाता है। अब हम जानेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेस्ट कैसे करते हैं। तो इस टेस्ट को करने के लिए हम एक 50 ml का ग्लास सिलेंडर लेते हैं, इसकी जगह आप टेस्ट ट्यूब भी ले सकते हैं जो कि आपकी केमिस्ट्री लैब में होती है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके अंदर चूना डालेंगे और उसको हल्के हल्के टैप करेंगे, और तब तक टैप करेंगे जब तक कि वो जो चूना है 5 ml के मार्क तक ना आ जाए। इसके बाद इस ग्लास सिलेंडर में हम 25 ml का हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे, यानी कि चूना और हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल के वो 25 ml तक आ जाना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक ग्लास रॉड की मदद से डाला जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस ऐसे होते हैं अगर हम किसी और तरीके से HCl
ग्लास सिलेंडर में डालेंगे तो HCl की कुछ मात्रा जो हमारे ग्लास सिलेंडर है उसकी साइडों पर रह जाती है, जिससे कि हमारे टेस्ट में कुछ एरर आने की संभावना रहती है। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि जो हमारी ग्लास रोड है उससे ड्रॉप ड्रॉप करके HCl डालना चाहिए, ताकि जो हमारे HCl की पूरी मात्रा है वो अच्छे से चूने के साथ रिएक्ट कर सके। इसके बाद हम क्या करेंगे, उसी ग्लास रोड की मदद से इस पूरे मिक्सचर को हिलाएंगे, और कोशिश ये होनी चाहिए कि जो हमारा ग्लास सिलेंडर है उसकी तली के नीचे कोई भी इनर्ट मटेरियल नहीं होना चाहिए, और इस इनर्ट मटेरियल की जो मात्रा है मतलब ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसको इंश्योर करने के लिए हम ग्लास रॉड की मदद से इस मिक्सचर को अच्छे से हिलाते हैं, और अगर हमको ऐसा लगता है कि इसके अंदर कोई हमारा इनर्ट मटेरियल है लेकिन उसके अंदर कोई भी कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होना चाहिए, इसलिए उसके अंदर HCl की मात्रा को हम ड्रॉप ड्रॉप करके मिक्स करते रहते हैं और साथ साथ उसको हिलाते रहते हैं, और ये हम तब तक हिलाएंगे जब तक कि उस मिक्सचर के अंदर से बुदबुदाहट की जो आवाज़ है वो आना बंद ना हो जाए। इफरसेंस, यहाँ ये जो वर्ड लिखा है इफरसेंस, इसका मतलब होता है बुदबुदाहट होना। तो इस मिक्सचर को हम तब तक हिलाते रहेंगे जब तक कि इस मिक्सचर के अंदर से बुदबुदाहट की आवाज़ आना बंद ना हो जाए। इसके बाद इस सिलेंडर को हम 24 घंटे के लिए आराम से एक जगह पर रख देंगे ताकि उसके अंदर जेल फॉर्मेशन हो सके, क्योंकि जेल फॉर्मेशन की मदद से ही ये पता चलेगा कि चूना किस कैटेगरी का है। इसके बाद हम अपना ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि आखिर चूना किस कैटेगरी का है। अगर जो हमारी जेल है अच्छी है और काफ़ी मोटी बनी है लेकिन उसके तली के नीचे कुछ इनर्ट मटेरियल भी है, इसका मतलब है कि वो हाइड्रोलिक लाइम है। अगर हमारी जेल मोटी है और वो इतनी मोटी है कि ग्लास सिलेंडर को तिरछा करने पर भी वो फ्लो नहीं कर रही है, इसका मतलब है वो क्लास ए कैटेगरी का चूना है। अगर हमारी जो जेल है वो बनी तो है लेकिन इतनी मोटी नहीं बनी कि वो फ्लो का विरोध ना कर सके, यानी कि वो मोटी इतनी नहीं है कि वो बहाव ना कर सके, या सिंपल भाषा में ये कहें कि जो हमारी जेल बनी है वो इतनी बनी है कि अगर हम ग्लास सिलेंडर को तिरछा करें तो वो फ्लो कर सकती है, और ऐसा होता है तो वो जो हमारा चूना है क्लास बी और ई कैटेगरी का है। अगर किसी भी तरीके की जेल फॉर्मेशन नहीं होती है तो इसका मतलब है कि वो जो हमारा चूना है क्लास सी, डी या एफ कैटेगरी का हो सकता है। इसके बाद हम जानेंगे कि वर्केबिलिटी टेस्ट कैसे करते हैं। तो इस टेस्ट को करने से पहले यहाँ पर वर्केबिलिटी टेस्ट अपरेटस है उसको समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये एक कोन है, ये एक प्लेट है जिसको प्लेट बी कहा है, और यहाँ पर एक प्लेट है जिसको प्लेट सी कहा गया है। इसका मेजरमेंट हम देख लेते हैं, ये जो कोन है इसका ये जो डायमीटर है, ये वाला डायमीटर जिसको बिग डायमीटर भी कह सकते हैं, ये हमारा 100 mm का है, और ये जो डायमीटर है ये 70 mm का, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो डायमीटर है 70 mm का है और ये जो डायमीटर है ये 100 mm का है, और इसकी जो लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारी 50 mm है, वो आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। इसके बाद आप प्लेट बी देखेंगे, ये हमारी एक स्क्वायर प्लेट है जो कि 120 mm की है, जो कि इसके नीचे लगेगी टेस्ट करते समय। इसके बाद यहाँ पर एक प्लेट सी है जिसके डायमेंशन है 300 mm × 300 mm। अब जानेंगे कि आखिर वर्केबिलिटी टेस्ट कैसे करते हैं। तो वर्केबिलिटी टेस्ट करने के लिए हमको जो चूना है उसका मिक्सचर बनाना है और इसको इस कोन में भर देना है, इस कोन के अंदर पूरा ऐसे करके पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक इस चूने को भर देना है। इसके बाद क्या करना है, हमको आराम से इस
कोन को एक लकड़ी की मदद से टैप करना है ताकि इसके अंदर जो कोई एयर है वो बाहर निकल जाए और जो चूना है बिल्कुल टाइट करके इसके अंदर भर जाए। वो जो लकड़ी है उसका जो डायमीटर है वो लगभग होना चाहिए 16 mm। इसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा चूना है उसको हम एक ट्रॉवल की मदद से या कन्नी, ट्रॉवल का मतलब होता है कन्नी, एक कन्नी की मदद से पूरा लेवल कर लेंगे। यानी कि जो इस एरिया के ऊपर एक्स्ट्रा चूना होगा वो हम कन्नी की मदद से निकाल देंगे और इसको पूरा प्लेन कर लेंगे। और इसके नीचे हम क्या करेंगे, ये जो प्लेट बी है वो इसके नीचे लगा देंगे। अब करना क्या है हमको, जो भी हमारा कोन है इसको इस प्लेट के साथ ही उठाना है। यानी कि ये कोन और ये प्लेट दोनों एक साथ उठानी है। अब ध्यान देना कि इसके अंदर चूना भरा हुआ है और इसके नीचे प्लेट है, और प्लेट इसलिए लगाइए ताकि जब हम उठाएंगे तो ये जो चूना है गिरे नहीं। अब इसको हमको उठाना है 300 mm की हाइट तक। इसको हम क्या करेंगे, 300 mm की हाइट तक उठाएंगे। जब हमारा ये जो कोन है 300 mm की हाइट तक उड़ जाएगा तब हम हमारी जो प्लेट बी है इस प्लेट को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, और ये जो प्लेट है हमारी प्लेट सी इसके नीचे ले आएंगे। यानी कि आप फिर से समझिए, हमने ये जो कोन है इस प्लेट के साथ उठाया कितने हाइट तक, 300 mm की हाइट तक, लेकिन इस प्लेट के ऊपर। और हम क्या करेंगे, जब ये 300 mm की हाइट तक उड़ गया तो ये जो प्लेट थी हमारी प्लेट बी जो कि इसको सपोर्ट दे रही थी नीचे से ताकि चूना ना गिरे, अब हम इसको क्या करेंगे, नीचे से हटा देंगे, और ये जो प्लेट है इसके ऊपर सारा चूना जो का होगा हमारा गिर जाएगा। वो जो चूना हमारा जिस एरिया में फैलेगा, क्योंकि जो भी चूना ऊपर से गिरेगा 300 mm की हाइट से वो इस प्लेट के चारों तरफ जाएगा, और जिस डायमीटर में वो जाएगा उस डायमीटर को क्या करेंगे, हम मेज़र कर लेंगे। और अगर वो डायमीटर 150 से लेकर 160 mm तक आता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो चूना है अच्छा काम करने लायक है, या उसकी जो वर्केबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जब ये कोन उठाया और इसको ऊपर से गिराया तो ये जो सर्किल बना है इस सर्किल में ही वो चूना फैला है, और इसको हमने मेज़रमेंट करा है। ये आया आपका 160 और ये आया आपका 150। तो इस तरीके से हम वर्केबिलिटी टेस्ट करते हैं। तो आई होप आपको चूने की फील्ड टेस्टिंग समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।